हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर टेक्नो मोबाइल में प्ले स्टोर नहीं चल रहा है, नॉट ओपनिंग या नॉट वर्किंग वाली प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे सही करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट या ऐप मैनेजर नाम का, या ऐप्स नाम का, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं। तो दोस्तों आपको इस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ऐप लिस्ट या मैनेज ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद लोडिंग होकर सभी ऐप्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सर्च बार में क्लिक करके लिखना है प्ले। तो प्ले लिखेंगे तो प्ले स्टोर आ जाएगा। देखिए गूगल प्ले स्टोर पर क्लिक करना है, फिर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको क्लियर डेटा और ओके कर देना है। देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद बैक आना है। फिर आपको इसके ऊपर एक ऐप मिलेगा, देखिए गूगल प्ले सर्विसेज, इस पर क्लिक करना है। इसका लोगो आप देख लीजिए। फिर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखिए क्लियर डेटा, और फिर यहाँ क्लियर डेटा और ओके कर देना है। इतना आपको करना है। देखिए क्लियर डेटा हो गया, फिर बैक आना है। अब गाइस देखिए सेटिंग में आने के बाद अगर ऐप मैनेजमेंट आपके फ़ोन में नहीं मिल रहा है, नहीं खोज पा रहे हैं, तो ऊपर सर्च बार में क्लिक करके अगर लिखेंगे ऐप, तो यहाँ पर आपको देखिए ऐप्स या ऐप लिस्ट या ऐप मैनेजमेंट नाम का ऑप्शन मिलेगा। आप क्लिक करके चेक करना तो यहाँ पर आप आ जाएंगे ऐप लिस्ट पर, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं क्लियर डेटा। फिर इतना करने के बाद होम स्क्रीन पर आना है, और अब गाइस प्ले स्टोर को ओपन करना है। 2-3 सेकेंड वेट करना और आपका प्ले स्टोर 100% ओपन हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब सही हो जाएगी। अपडेट भी यहां पर शो करेंगे, जो भी अपडेट शो नहीं कर रहे थे सब यहां पर सही हो जाएगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।